तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल चैनल टोटल लर्निंग। तो मैं रौशन प्रजापति एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं और आज भी इस वीडियो में कह रहा हूं कि मेरे जितने भी पैरामेडिकल में ऑब्जेक्टिव आएंगे फिजिक्स के, वो मेरे ही वीडियो से आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो को देखना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब अभी तक से नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कहता है, गतिमान कण की गतिज ऊर्जा विस्थापन वक्र की ढाल है। ठीक है, क्या कहता है, गतिमान कण की गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा विस्थापन होता है, वक्र की ढाल बताना है, यानी स्लोप बताना है। तो स्लोप क्या है, किसके बराबर है, कण के त्वरण के, या त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या त्वरण के सीधा समानुपाती होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, त्वरण के सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, त्वरण के सीधा समानुपाती होता है, यानी पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर दो कहता है, एक जूल बराबर होता है, एक जूल किसके बराबर होता है दोस्तों, तो एक जूल एक न्यूटन एक मीटर के बराबर होता है, यानी कह सकते हैं न्यूटन मीटर के बराबर होता है एक जूल दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा का क्या देगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीन कहता है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है। ठीक है, क्या कहता है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है तो वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य भी क्या है हमारा, कार्य एक अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य हमारा क्या है, अदिश राशि है, यानी तीन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चार की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चार आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चार कहता है, यदि किसी पिंड पर एफ बल लगाया जाता है, क्या किसी पिंड पर कोई वस्तु पर क्या लगाया जा रहा है, एफ बल लगाया जा रहा है, और वह भी वेग से चले तो उसकी शक्ति होगी। ठीक है, भी वेग से गतिशील है तो उसकी शक्ति क्या होगी, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ इंटू भी, क्या हो जाएगा, एफ इंटू भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है, किसी वस्तु के संवेग को क्या कर रहे हैं, तिगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। जब संवेग को हम लोग तिगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो नौ गुना हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगी, नौ गुना, यानी कह सकते हैं कि संवेग का दुगुना हो जाएगा। अगर संवेग को तिगुना करेंगे तो नौ गुना हो जाएगा, दुगुना करेंगे तो चार गुना हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है, एक हल्की वस्तु ए एवं भारी वस्तु बी के रैखिक संवेग समान है तब क्या बराबर हो सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या बराबर हो सकता है। तो दोस्तों, ए की गतिज ऊर्जा और बी, ए की गतिज ऊर्जा जो होगी बी से अधिक होगी। ठीक है, क्या होगा, ए की जो गतिज ऊर्जा होगी वो बी से अधिक होगी, यानी छः का क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर बढ़ते हैं। और उस क्वेश्चन का संकेत में दिया हुआ है दोस्तों, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, संकेत के ऑप्शन को। अब कहता है क्वेश्चन नंबर सेवन, कार्य बराबर होता है, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये बताना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कार्य का फॉर्मूला होता है एफ एफ क्रॉस एफ इंटू, कह सकते हैं इसको क्रॉस नहीं कहेंगे, एफ इंटू डी कॉस थीटा होगा। क्या होगा, एफ इंटू डी कॉस थीटा होगा, वो कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर एट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या है दोस्तों, न्यूमेरिकल है। ठीक है, कहता है एक भारोत्तोलक, क्या उत्तोलक, उत्तोलक है दोस्तों, क्या है, भारो उत्तोलक है, जिसका 30 केजी का भार 3 सेकेंड में जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा लेता है। क्या 300 केजी का जो भार कोई वस्तु है वह 3 सेकेंड में 2 मीटर की ऊंचाई को उठा देता है, तो उसके द्वारा वाट में उत्पन्न औसत शक्ति बताना है दोस्तों। औसत शक्ति क्या होगा, कितना वाट में उसका औसत शक्ति होगा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1960 हो जाएगा।